आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। देश भर में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर आज रीवा में भी देखने को मिला है। रीवा में भी सारे बैंक दो दिनों के लिए पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं और बैंक कर्मचारी सड़कों पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने बैंकों का निजीकरण बंद नहीं किया तो सभी बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बता दें कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बैंक के सारे कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि देश के विकास में बैंकों का बड़ा योगदान और सहयोग रहता है और बैंकों का निजीकरण होने से बैंक अपने लाभार्जन में जुट जाएंगे। ये दो दिवसीय हड़ताल है, 15 मार्च और 16 मार्च की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के आह्वान पर ये दो दिवसीय हड़ताल की गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा अभी बजट में वित्त मंत्री द्वारा ये कहा गया कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका निजीकरण करने का उनका ऐसा उनकी तरफ से मंशा जाहिर की गई है, जिसके विरोध में ये हड़ताल UFBU द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन द्वारा आह्वान किया गया है, जिसमें सभी 9 घटक दल सभी सरकारी बैंकों की यूनियन सम्मिलित हैं और यही हमारा मेन मुद्दा है आज हड़ताल। लेकिन इन दो दिनों में बात नहीं बनती तो आगे क्या? निश्चित रूप से इसका विरोध और जोर शोर से किया जाएगा और आगे क्रमबद्ध तरीके से जो भी UFBU द्वारा आह्वान किया जाएगा जिस प्रकार से भी उसी क्रम में हम इसको हड़ताल को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये जो उद्देश्य इसका समझना ये है हमें कि ये जनता विरोधी है। क्योंकि आज के 52 वर्ष पहले जब राष्ट्रीयकरण किया गया था सभी सरकारी बैंकों का प्राइवेट हाथों से हटा के, तो यही उद्देश्य था कि जनता को हम बैंक सौंप रहे हैं, जनता के हितों के लिए, सामाजिक हितों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे इस समय, ये पुल खड़े हैं, ये और तमाम चीज़ें हैं, ये सब सरकारी बैंकों के कंसोर्टियम एडवांस जो किए गए हैं उससे हुआ है। ये प्राइवेट बैंकों का इसमें बहुत कम रोल है, न्यूनतम के बराबर रोल है। इस समय चलने वाली जो छोटी योजनाएं हैं, 10,000 रुपये की अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या CM स्ट्रीट वेंडर मध्य प्रदेश में चलता है, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं वो सब सबसे ज़्यादा अगर आप डेटा भी आप उठा के देखें पिछले एक वर्ष में तो सबसे ज़्यादा वो सरकारी बैंकों ने उसका किया है क्रियान्वयन। लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में जाता है आप उनका डेटा देख सकते हैं तो वो गरीब जनता जो आम जनता है अपने मिनिमम बैलेंस 0 बैलेंस के अकाउंट्स हैं, 500 रुपये के अकाउंट हैं, यहाँ और अन्य बैंकों में अलग अलग तरीके के चार्ज होते हैं, यहाँ सरकारी बैंकों में वेव्ड होते हैं, इस तरह के कई नुकसान उनको झेलने पड़ेंगे। इसलिए इसी के विरोध में हमारा प्रदर्शन है और ये हड़ताल भी इसी क्रम में की जा रही है। ऋषभ श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव, यूनियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। 15 और 16 मार्च की हड़ताल है, देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के संबंध में, निजीकरण के नीतियों के विरोध में और ग्रामीण बैंक का होल्डिंग कंपनी बनाने के विरोध में हम सभी बैंकर भाई बहन सरकार के नीतियों के खिलाफ रोड पे उतरे हुए हैं और अपना आक्रोश केंद्र सरकार तक पहुंचाने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये केंद्र सरकार जो है नीति